हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विदर चैप्टर नंबर फाइव नेम ऑफ द चैप्टर इज सीड्स एंड सीड्स सो हियर इज अ क्वेश्चन अस आंसर इट स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट व्हाट इज इनसाइड द सीड सीड के अंदर क्या होता है सो इनसाइड द सीड देयर एग्जिस्ट कोटिलिडोन्स एंड एम्ब्रियो तो एक सीड होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सीड का एक पिक्चर बनाया है और आप देख सकते हो सीड के साइड में होता है सीड कोट हम लोग जब सीड्स को सोक करते हैं ना तब हम लोग जब उसे जोर से दबाएंगे तो वो सीड्स बाहर निकल आते हैं तो जो छिलका होता है उसे कहते हैं सीड कोट तो सीड के बाहर एक जो छिलका होता है उसे बोलते हैं सीड कोट देन जो दो दाने जैसे निकलते हैं दैट इज कोटिलिडोन दैट इज़ कोटिलिडोन ओके और देयर एग्जिस्ट देन देयर इज एग्जिस्ट बेबी प्लांट एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर उसे बोलते हैं एम्ब्रियो सो so, इस तरीके से होता है सीड ओके okay? उसमें होता है सीड कोट कोटिलिडोन एंड एम्ब्रियो सो हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड तो इतना बड़ा पेड़ कैसे आ जाता है इतने छोटे से बीच से तो स्टूडेंट्स जब हम लोग सीड को स्प्राउट करते हैं ना तो सीड कोट हट जाता है और ये एम्ब्रियो ब्लाइव बेबी प्लांट जो है वो बाहर आने लगता है पहले रूट्स बाहर आती है और फिर वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है फिर उसका शूट सिस्टम बाहर आता है एंड धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो होता रहता है प्लांट से न्यूट्रीशंस एब्जॉर्ब करता रहता है वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है एंड इट ग्रोज इन अ बेग प्लांट नेक्स्ट वन वॉट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वर्क ड्रॉ पिक्चर so you can draw a funny picture like this then do some plants grow without seeds to kya kuch seed plants aise bhi hain jo seeds ke bina grow hote hain to yes some plants like potato rose banana etc go without grow without seeds so potato hai rose hai rose bhi आपने देखा होगा stem की cutting से उगता है उसके अलावा मनी प्लांट भी आपने देखा होगा जो बिना बेच की सहायता से उगता है वो उसकी कटिंग लगा देते हैं तो उग जाता है तो चलिए अब एक एक, एक इंटरेस्टिंग प्लांट के बारे में बताती हूँ क्या कभी आपने किसी प्लांट को शिकार करते सुने या देखा है सो so यस yes, ऐसा भी एक प्लांट एग्जिस्ट करता है प्लांट विच हंट ठीक है एक प्लांट जो शिकार करता है तो चलिए हम इस प्लांट के बारे में जानते हैं देर आर सम प्लांट्स विच टैप एंड ईट फ्रॉग इंसेक्ट्स एंड इवन माइस द पिचर प्लांट नेपन्थीस इज वन सच प्लांट सो एक ऐसा प्लांट है जो क्या क्या खाता है फ्रॉग मेंढक इंसेक्ट्स और इवन चूहे भी खा जाता है इस प्लांट का नाम है नेपन्थीस इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया सो so ये कहाँ कहाँ मिलता है ऑस्ट्रेलिया में इंडोनेशिया और इंडिया के मेघालय में ये प्लांट पाया जाता है इट इज़ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड विथ द लिफ्टो एक पिक्चर शेप का होता है और उसकी माउथ पे एक लिफ्ट जैसी कवर होता है ठीक है जैसे घड़े में कैसे कवर uh, होता है उस तरीके से ये प्लांट दिखता है द प्लांट है स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट्स वेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप एंड कैन नॉट गो आउट गेट आउट वट अ क्लेवर वे टू हंट तो है ना स्टूडेंट्स कितना क्लेवर वे है हंटिंग करने का कि वो एक स्मेल रिलीज करता है बहुत ही जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और जैसे ही इंसेक्ट्स उनके पास जाते हैं अंदर आते हैं तुरंत ही वो ढक्कन बंद कर देता है लिफ से उसको कवर कर देता है और इस तरीके से यह प्लांट हंटिंग करता है नाव Let us move ahead. So many seeds. How many seeds types of seeds can you collect? Where will you find them? Each of you should try to collect as many as types of seeds as you can. After that, put all seeds collections together. Now, observe these seeds carefully their shapes, sizes, colors, and textures smooth or rough. Make a seeds chart to put up in the class. You can start with a table like this. So, what you have to do? तरीके के सीड्स होते हैं जैसे राजमा है चना है देन काबुली चना है मटर है जो सूखे मटर होते हैं ड्राई आते हैं चौलाई है सब जो सीड्स है दैट ऑल कैन टेक उसके अलावा हमारे किचन में मस्टर्ड होता है क्यूमिन ज़ीरा ये जो सब चीज़ें होती हैं एनी सीड है ना ये सब चीज़ें आप ले लीजिए और उनको उन सब सीड्स को आप ऑब्जर्व कीजिए उनका साइज़ देखिए कंपेयर करिए उनके कलर्स देखिए उनका टेक्सचर कैसा है वो सीड्स ऊपर से देखने में स्मूथ है या रफ है ठीक है दैट यू कैन डू एंड यू कैन ऑब्जर्व सो मैंने कुछ सीड्स लिए हैं यहाँ पे और हमने जैसे यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द सीड तो इस नेम ऑफ द सीड इज़ राजमा कलर रहता है रेडिश वाउन और इस तरीके का शेप रहता है टेक्सचर रहता है स्मूथ ऊपर से स्मूथ लगता है पपाया का रहता है ब्लैक कलर का ये रहे पपाया के सीड्स एंड उसका जो टेक्सचर रहता है वो भी होता है स्मूथ देन आफ्टर दैट एप्पल एप्पल रहता है ब्राउन कलर का उसका भी टेक्सचर होता है स्मूथ मस्क मलन वाइट कलर का और उसका सीड्स इस कुछ ओवल शेप का होता है और वो उसका भी टेक्सचर स्मूथ होता है मैंगो वाइटिश येल्लो ये भी आपने देखा होगा उसका टेक्सचर रफ होता है देन लेडीज़ फिंगर का बीज होता है वाइट कलर का एंड उसका टेक्सचर स्मूथ होता है तो इस तरीके से आप डिफरेंट सीड्स को लेके उनको आइडेंटिफाई कीजिए उनका नाम क्या है कलर कैसा है शेप कैसा है एंड कैसा है नाउ डिड यू कीप एनी सीड और सॉफ्ट एंड क्यूमिन ज़ीरा इन योर लिस्ट सो क्या आपने सॉफ्ट या ज़ीरा को अपने लिस्ट में कंसिडर किया था सो यू कैन राइट यस वॉट वॉज विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट इन योर कलेक्शन सो so, आप अपने इसमें देखिए सबसे छोटा सीड कौन सा है तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको बिगेस्ट सीड जो है हमारे कलेक्शन में है मैंगो और स्मॉलेस्ट सीड रहेगा क्यूमिन मतलब ज़ीरा ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं नाउ एक मेक अ लिस्ट ऑफ़ सीड्स दैट आर यूज स्पाइसिस इन योर होम ऐसे सीड्स जो हमारे मसालों में यूज होते हैं तो कौन से हैं मस्टर्ड मतलब सरसों क्यूमीन एंड एनी सीड ओके देन सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स वेजिटेबल के कौन से कौन से सीड्स हैं टमाटो लेडी स्विंगर ब्रिंजल ये सब जो सीड्स हैं वो वेजिटेबल्स के सीड्स हैं देन सीड्स ऑफ फ्रूट कौन से कौन से हैं ऑरेंज एप्पल मैंगो एक्सेट्रा देन लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम तो ऐसे हल्के सीड्स तो वो कौन से हैं क्यूमिन जीरा आप उसको ब्लो करके देख सकते हो देन सीड्स विच आर फ्लैट कौन से कौन से हैं मतलब तिल एप्पल इन सब के सीड्स कैसे होते हैं फ्लैट होते हैं देन मेक मोर ग्रुप हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको कोई ऐसा गेम पता है जो आप उन फ्रेंड के साथ खेल सकते हो सीड्स को लेकर दे तो यू कैन डिस्कस एंड मेक अ ग्रूप ऑफ मोर ग्रुप ऑफ सीड्स तो हम लोग सीड्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड uh, कर सकते जैसे यहाँ पर मैंने नीचे लिया है एडिबल सीड्स स्मॉल सीड्स बिग सीड्स सीड्स यूज है स्पाइसीवी सीड्स लाइट सीड्स एंड सीड्स विच प्रोड्यूज ऑयल सो so, ऐसे कैसे सीड्स हैं जो हम लोग खा सकते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं कुछ स्पाइसेस की तरह यूज कर सकते हैं कुछ हैवी होते हैं कुछ लाइट वेट होते हैं और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है ठीक है ना स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट प्लांट्स कान कैन नॉट वॉक दे रिमेन एट देयर ओन प्लेस ओके बट डू यू नो द सीड्स कैन ट्रेवल इन फैक्ट द सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स प्लान कैन नॉट मूव अराउंड वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस बट देर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स दे कैन रीच फार एंड वाइड वो कैट पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी फ्लाइंग सीड्स सो प्लाट्स तो एक जगह रह जाते हैं लेकिन उनके सीड्स दूसरी जगह जाते रहते हैं देखिए पिक्चर वन आपने इस तरीके के कभी आपके घर में देखा होगा एक वाइट वाइट सेस लगता है जैसे पंख के नीचे कुछ छोटू सा अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप देखना उसमें एक छोटा सा नीचे दाना लगा होता है सो दे आर सीड्स है ना सो हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई तो यू कैन से यस इस साइड के सीड्स हमने सबने देखे हैं वट इज़ इट इज़ वॉट इट इज़ इट कॉल इन योर एरिया तो हमारे एरिया में इसे तो बुढ़िया के बाल बोलते हैं देन लुक एट योर सीड कलेक्शन गैस हाउ मैने सीड्स को ट्रेवल वुड हैव ट्रेवल्ड बाई फ्लाइंग तो आप गैस कीजिए उसमें से कौन से कौन से सीड्स जो है फ्लाइंग के थ्रू आ सकते हैं तो हमारे कलेक्शन का सबसे जो छोटा सीड है जीरा आप यू कैन कंसिडर दैट इट में फ्लाई ओके दैन लुक एट पिक्चर टू द सीड्स कैन नॉट फ्लाई दिस सीड्स कैनॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाई स्टिकिंग ऑन द फ्लर ऑफ एनिमल्स और ऑन अवर क्लोथ्स इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड ड डिड यू गेट एनी आइडिया फ्राम दीज सी रेड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मैसुर सो कुछ कुछ बड़े सीड्स होते हैं जैसे कि पिक्चर नंबर टू में देखिए इस तरीके से ये सीड है और इनके ऊपर ऐसे ऐसे आपको कांटे जैसे दिख रहे होंगे ठीक है तो ये सीड्स जो हैं वह हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हमारे से अटैच हो जाते हैं हम लोग जब किसी पेड़ पौधे वाली जगह से जा रहे हो तो हमारे से वो अटैच हो जाते हैं और उन्हें फ्री रेड मिल जाती है फिर हमसे जब वो कहीं गिरते हैं या एनिमल्स के फर में अटैच हो जाते हैं फिर जब वो कहीं गिरते हैं तो वहाँ पे वो ग्रो हो जाते हैं सो so, यही सीड से जॉर्ज मैसूरकर करके एक साइंटिस्ट थे उन्हें आइडिया आया वेलक्रो टेप बनाने का आपने सबने वेलक्रो टेप देखी होगी कुछ इस तरीके की होती है वेलक्रो टेप एक साइड जो है सॉफ्ट रहता है और दूसरा साइड में जो है इस तरीके के उठे हुए पैटर्न होता है ठीक है तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में दिस हैपन इन 1948 फोर्टी एट वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वर्क विथ हिज डॉग ही वाज अमेज टू फाइंड सी स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड हिज डॉग्स फर ही वंडर्ड दैट वॉट मेड देम स्टिक so he observed these seeds under microscope he saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur this gave mesrol the idea of making velcro he made a material with very similar tiny hooks that could stick so what happened one day he was going with the walk with his dog and while coming he observed that his uh, his dog was carrying some seeds and even his clothes सो so, उसके क्लोथ्स पे और उसके डॉग के फर पे बहुत सारे सीड्स लगे हुए हैं सो वेन ही टूक द सीड्स एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप वट ही फाउंड उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें क्या लिखा जो सीड था उसके साइड में इस तरीके से हुक्स थे सीड्स के सीड़ के सीड साइड में इस तरीके के ये सीड है उसके साइड में इस तरीके के हुक थे जो हमको काटे जैसे लग रहे थे उनमें ऐसे ऐसे हुक थे सो so, इसकी वजह से क्या होता था वह हमारे कपड़ों में या डॉक के फर में अटैच होकर रह जाते थे और इसी तरीके से मैसूरल को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी टेप बनाऊँ ठीक है जिसमें एक छोटे छोटे हुक लगे हुए हो और वो तो चीज़ों में चिपक जाए ठीक है तो आपने वेलक्रो टेप सबने देखी होगी वेलक्रो टेप के एक साइड में सॉफ़्ट सॉफ्ट शौफ फर जैसा होता है जैसे कि एकदम सॉफ्ट लगता है हमको और दूसरी साइड जो होती है वो ऐसी हुक्स जैसा रहता है और जब दोनों आपस में चिपक जाते हैं तो वो चुड़ाने पे ही छूटते हैं जैसे कि आपने ये आ, हमारे शूज़ में बैग्स में ये सब चीज़ें होती हैं आपने देखी होंगी तो कितना अच्छा तरीका है नेचर में से इंस्पिरेशन लेने का उन्होंने नेचर से इंस्पायर होकर इतनी अच्छी चीज़ बनाई जो हमें बहुत से कामों में काम आती है ठीक है सो वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक यूगेदर मैनी थिंग्स लाइक क्लोथ्स शूज़ बैग्स बेल्ट एंड मैनी मोर व्हाट अ वे टू टेक इंस्परेशन फ्राम फ्राम नेचर सो प्रकृति से इस तरीके से उन्होंने इंस्पायर हो एक बहुत ही काम की चीज़ बनाई जो है वेलक्रो टेप Okay, students, I hope you must have understood this part of the chapter. We will continue the chapter in the next video. Till then, thank you and bye bye.